एक कैदी 10 साल बाद जेल से भाग गया और जैसे तैसे छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा। घंटी बजाने पर बीवी ने दरवाजा खोला और देखते ही गुस्से से बोली, टीवी पर तो बता रहे हैं कि तुम 8 बजे के भागे हुए हो, तो इतनी देर से कहाँ थे? कैदी बेचारे ने वहीं से वापस यू टर्न कर लिया। शोहर बीवी से, इतनी खतरनाक बीमारी फैली हुई है और तुम मास्क के बगैर घूम रही हो। बीवी, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर घूम रही हूँ? वकील, फुला करवाने के 10,000 रुपए लूंगा। शोहर, पागल हो गया है क्या? मौलवी ने 1,000 रुपए में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। उस्ताद, किसी अजीम इंसान ने कहा था कि एक ही दुश्मन से बार बार जंग नहीं लड़नी चाहिए, वरना आप इसे तमाम जंगी दाव पेच सिखा देंगे। जैसे मियां बीवी के रिश्ते में भी यही होता है, दोनों जंगजू जिंदगी भर लड़ते लड़ते एक दूसरे के वारों से इतने मुतारिफ हो जाते हैं कि जंग जिंदगी भर जारी रहती है पर हल कुछ नहीं निकलता। शागिर्द, फिर क्या करना चाहिए? उस्ताद, दुश्मन बदलते रहना चाहिए। पाकिस्तान की 98% माएं अपने बच्चों का रिश्ता ऐसे करती हैं। माँ, बेटा तुम्हें कोई लड़की पसंद है? बेटा, जी अम्मी। माँ, बेटा वो कौन है? बेटा, जी अम्मी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ती है। माँ, अच्छा इसका क्या नाम है? बेटा शर्माते हुए, जी अम्मी तंजीला। माँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, कोई तस्वीर है इसकी तुम्हारे पास? बेटा, जी अम्मी ये देखें। माँ, माशाल्लाह कितनी प्यारी लड़की है। अच्छा तो बेटा तुम इसको बता देना कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी खाला के घर में हो गया है, मैं जरा हांडी देख लूँ, चूल्हे पर रख के आई थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए।